Okay, my dear, so as you all know that in sewage treatment plant, the microbes play a very important role. They are the one who convert entire organic matter. And I'm talking about aerobic microbes. These aerobic microbes and fungus, they are the one who convert the organic matter. I mean, they eat it, they feed on it, and they keep in themselves. No doubt they would be degrading all that thing. And then who comes is something called as anaerobic bacteria. Now these anaerobic bacteria, they start feeding upon the dead bacterium, dead aerobic bacterium and fungus. And due to that, what happens here is that there's a production of carbon dioxide, H2S, and something called as methane takes place. So that is what is something called as a mixture of a gases. And this mixture of a gases are termed as what? Biogas. So microbes play a major role treating millions of gallons of wastewater. Aapke samne likha hai, every day across the globe. Chalo bhai, bahut achhi baat hai. The methodology which you are seeing, which is being practiced for more than century. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो प्रोसेस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैंने आपको पढ़ाया, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आज से नहीं सेंचुरी से चले आ रही है. नॉट ओनली दैट, एक और खास बात कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये किया जाता है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि आज तक इसका कोई राइवल, माने इसके कोई अगेंस्ट में कोई और प्रोसेस आज तक नहीं हुआ. इट्स द ओनली प्रोसेस जिसका मैं आपको बताऊं कि नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैड बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज. सो इट इज सो इफेक्टिव, आप समझ सकते हैं. नॉट ओनली दैट, ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मेरे बच्चों याद रखो, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन सीवेज ऑल्सो. सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, सीवेज इज बींग प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेड वॉटर इज बिंग एडेड इन टू अ सीवेज, जो आपको यहां पर लिखा हुआ है. सो लार्ज क्वांटिटी यू नो ऑफ सीवेज इज बिंग प्रोड्यूस्ड एवर देन बिफोर, ये पॉइंट आपके बुक का स्टेटमेंट है. लेकिन जितना ज्यादा अमाउंट में सीवेज इज बिंग प्रोड्यूस्ड, आपको क्या लगता है, उतने ज्यादा अमाउंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? नो. सो हाउएवर द नंबर ऑफ एसटीपी has not increased enough to treat such large quantity. इसको treat करने के लिए इतने ज्यादा amount में जो है वो I can say sewage treatment plant produce नहीं हुआ. So अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, the sewage will create havoc. क्या होगा कि उसके अंदर जो organic matter है, that organic matter will be, you know, they will be feed up, you know, they will be feeded up by something called as microorganisms. और जब वो microorganisms जो वहां पे फॉर्म होंगे, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर बेसिकली पैथोजेनिक इन नेचर. नॉट ओनली दैट, वो सीवेज डायरेक्टली जाके रिवर और अदर अदर वाटर बॉडीज, रिवर, स्ट्रीम, ओशन, सी, ये सब में जाके मिलेगा. और जब वहां पे डिस्चार्ज होगा डायरेक्टली, तो इट विल लीड टू द पॉल्यूशन एंड वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज विल इंक्रीज इन दिस सोसाइटी. सो दैट इज अ रियली बिग प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रहा है. सो इन चीज को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, दे हैड इनिशिएटेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स इन सर्टेन रिवर्स, फॉर सर्टेन रिवर्स आई कैन से, एंड दिस प्लान इज बीइंग एडेड अप, मींस इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द रिवर लाइक गंगा एंड यमुना. सो देयर इज अ प्लान कॉल्ड एज गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, माय डियर्स. नॉट ओनली दैट, मैं अभी आगे की बात करूंगा आपसे, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ अ बायोगैस. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, जब कभी भी मैं आपके सामने बायोगैस का बात करता हूं मेरे बच्चों, तो बायोगैस इज व्हाट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ गैसेस लाइक मीथेन, विच इज अबाउट 50 to 80%. मेरे वर्ड को याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समथिंग कॉल्ड एज मीथेन, विच इज 50 to 80%. देन वॉट कम्स इज समथिंग कॉल्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अराउंड 40%. And other gases like hydrogen sulfide, hydrogen and many other gases, they are found in traces. So, लेकिन found तो होते हैं. So, यहां पर biogas का बड़ा importance है. And not only that, ये biogas form हुआ है because of microbes. ये बहुत ही important fact है, आप इस बात को याद रखिए कि biogas form हुआ है because of क्या मेरा बच्चा, because of माइक्रोब्स, माई डियर. तो अब माइक्रोब्स की वजह से फॉर्म हुआ है, तो हमको तो देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं यहां पे. आप जानते हैं कि इट इज एनारोबिक माइक्रोब्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, को ट्रेसेस इन गैसेस में ले लिया गया, अदर ट्रेसेस इन गैसेस में ले लिया गया. कार्बन डाइऑक्साइड 40% प्रोड्यूस होता है, और मीथेन विच इज हाईली फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, जो भी मैं वर्ड यूज करूं इसके लिए, हाईली इनफ्लेमेबल
50 to 80% जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो इट्स मीथेन विच इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. वो अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, याद रखना. दिस टाइप ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट दे यूटिलाइज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सट्रेट की अगर मैं बात करूं, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन. अब अगर फर्मेंटेशन की बात करो तो फर्मेंटेशन ऑफ चीज, जरा मैं इसको मिटा लेता हूं मेरे बच्चों, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि फर्मेंटेशन ऑफ चीज हो गया या फर्मेंटेशन ऑफ डव हो गया, DOUGH नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है ना. तो फर्मेंटेशन ऑफ चीज हो गया या फर्मेंटेशन ऑफ डव हो गया, उसके लिए हम लोग जो मटीरियल यूज करते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर फर्मेंटेशन. सो इट इज फर्मेंटेशन ऑफ वॉट, चीज. पहला पॉइंट हम लोग रखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ क्या मेरे बच्चों, चीज के बारे में. अब चीज को बनाने के लिए मेरे को क्या लगेगा, बात रखता हूं मैं चीज के बाद. अच्छा एक एक करके लिख देता हूं आपके लिए. चीज पहला, सेकेंड DOUGH, डब. डब फॉर इडली डोसा हो गया है ना. दूसरे तीसरे पॉइंट के हम लोग बात को रख सकते हैं. नॉट ओनली दैट, बीवरेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. सो चीज बनाने के लिए, डव बनाने के लिए, बीवरेजेस बनाने के लिए, जब हम बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी यूज करते हैं. अब मैंने फंगस क्यों बोला, क्योंकि मैं यीस्ट की बात कर रहा था, इसलिए इनको बनाते वक्त देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर, राइट. अब कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली सेलुलोजिक मटीरियल को भी डिग्रेड करते हैं मेरे बच्चों. तो मैं यहां पर लिखूंगा सेलुलोजिक मटीरियल को डिग्रेड किया तो क्या निकलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेलुलोजिक मटेरियल को अगर डिग्रेड किया तो क्या निकलेगा वहां से, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज मीथेन अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो मैं यहां पे लिखूंगा सेलुलोजिक मटेरियल को अगर डिग्रेड किया, देयर विल बी मीथेन अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज याद रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. माय डियर दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज व्हाट, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, ये थोड़ा सा मैं यहां पे लिख दूंगा, इनको हम कहते हैं बेटा मीथानोजेंस. प्लीज याद रखो मेरे बच्चों, मीथानोजेंस. मीथानोजेंस का एक जो बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, ये भी जरा मिटा ही लेता हूं मैं. सो मीथानोजेंस का जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसका नाम है मीथानोबैक्टीरियम. अब आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन मिथानोबैक्टीरियम को हम कहते हैं मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैसिलस. सो मिथानोजेन का एग्जांपल हम रख सकते हैं मिथानोबैक्टीरियम. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथानोबैक्टीरियम. हां मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, मिथानोबैक्टीरियम में दो हो सकता है, मिथानोकॉकस, राइट, मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैसिलस. So, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैसिलस, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. एंड वेयर दे आर फाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन, ये भी मैं लिख दूंगा कि दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड वेयर, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. मैं ये शब्द तो बोल ही सकता हूं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी किधर सर, तो मेरा नाम आएगा यहां पे एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर. आपको भी याद होगा मेरे बच्चों कि दीज आर द मिथानोकॉकस एंड मिथानोबैसिलस विच आर बीइंग यूज्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर. वो याद है, वो हमने बोला था कि दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया है नहीं. एंड मैं आपको बताऊं दे आर ऑल्सो फाउंड इन, क्योंकि इनकी आदत होती है कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट स्टमक, दे आर ऑल्सो फाउंड इन रूमिनेंट स्टमक ऑफ कैटल्स. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज आप याद रखो, दे आर ऑल्सो फाउंड इन रूमिनेंट स्टमक ऑफ क्या, कैटल. प्लीज ये पॉइंट याद रखना, रूमिनेंट स्टमक इज प्रेजेंट इन द यू नो इन कैटल्स, और इसको रूमेन बोलते हैं. मैं ये भी लिख देता हूं, ये रूमिनेंट स्टमक को हम लोग यहां पे कहते हैं रूमेन. तो रूमेन ऑफ कैटल में मिल जाए तो ये पॉइंट याद रखना, अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटीरियल इज प्रेजेंट इन द फूड ऑफ अ कैटल. माय डियर कैटल के फूड में अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा सेलुलोजिक मटेरियल होता है. सो ब्रेकडाउन ऑफ अ सेलुलोज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ न्यूट्रिशन ऑफ व्हाट, इन अ न्यूट्रिशन ऑफ अ कैटल मेरे बच्चों.
अब ये पॉइंट, अब आप बोलोगे सर कि इसका मतलब ये बैक्टीरिया मिथानोजेनिक बैक्टीरिया कैटल के रुमिनेंट स्टमक में रहता है? मैं कहूंगा हाँ, यस इट इज फाउंड इन दैट एरिया. सो द एक्सक्रीटा दैट इज अ डंग ऑफ अ कैटल, अब यहां पे से निकलेगा नो डाउट कैटल में से निकलेगा एक्सक्रीटा. सो मुझे लिखना पड़ेगा एक्सक्रीटा दैट इज अ डंग ऑफ अ कैटल. सो डंग ऑफ अ कैटल में आपको क्या मिलने वाला है? इसको हम लोग बोलते हैं गोबर, राइट. सो ये वर्ड है गोबर, याद रखना प्लीज मेरे बच्चों, विच इज रिच इन दीज बैक्टीरिया. मैं आपको बताऊं ये गोबर के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो गोबर इज, तो ये पॉइंट लिख देता हूं ब्लैक कलर के मार्कर से आपको, कि गोबर इज रिच इन वॉट? इट इज रिच इन मिथेनोजेंस. डायरेक्टली लिखते हैं ना इसको, इट इज रिच इन मिथेनोजेंस माई डियर. ओके, सो ये पॉइंट आप याद रखना कि इट इज रिच इन मिथेनोजेंस मेरे बच्चों. अब ये रिच इन मिथेनोजेंस का मतलब क्या होता है कि इसके द रूमेन ऑफ अ कैटल और द रूमेन ऑफ अ काउ और बफेलो, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. एंड दिस एनारोबिक बैक्टीरिया इट हैज एन एबिलिटी टू डिग्रेड दैट सेलुलोजिक मटीरियल एंड देन दे रिलीज व्हाट? दे रिलीज समथिंग कॉल्ड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का गैस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों. इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इज समथिंग कॉल्ड एज बायोगैस प्रोडक्शन. लेकिन ये जो तीनों गैस को मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको हम लोग कहते हैं गोबर गैस मेरे बच्चों. अब हम स्टार्ट करेंगे बायोगैस प्रोडक्शन. माय डियर, व्हाट यू आर गोइंग टू सी हियर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बायोगैस प्लांट. दिस टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट इज बेसिकली सीन इन रूरल एरियाज. अब क्यों ये रूरल एरियाज में ज्यादा है मैं आपको ये बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा बायोगैस प्लांट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है. अब पहली बात तो ये है कि जो बायोगैस प्लांट आप देख रहे हैं यहां पे, ये इट इज, ये रहा आपका जमीन, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है. ये आपका ग्राउंड लेवल होगा मेरे बच्चों, प्लीज आप याद रखो, ठीक है. ये आपका ग्राउंड लेवल होगा, तो बेसिकली ये सब कुछ जमीन के नीचे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया जमीन के नीचे. एंड इट विल बी अराउंड 10 to 15 feet, ठीक है मेरे बच्चों, प्लीज आप इस बात को याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, पहला पॉइंट हम लोगों को क्या पता चलता है, बायोगैस प्लांट इट्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? अ कंक्रीट टैंक. ये देखिए आप कंक्रीट टैंक देख रहे हैं यहां पर, ऐसे. एंड दिस कंक्रीट टैंक इज अराउंड 10 टू 15 फीट डीप, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, द बायोवेस्ट, ये देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे द बायोवेस्ट इज कलेक्टेड माई डियर. अभी बायोवेस्ट जब आप कलेक्ट कर लेते हैं मेरे बच्चों, तो इस बायोवेस्ट मतलब बायोवेस्ट क्या क्या हो सकता है? डंग हो सकता है, लीफ हो सकता है, बहुत सारे जो है सड़े सड़े लीफ जो होते हैं, राइट. ऑल दैट थिंग्स जो है ये सारा का सारा हम यहां पर डालते हैं, राइट. एंड वी ऑल्सो एड समथिंग कॉल्ड एज वॉटर. तो ये वॉटर का भी मैंने यहां पे नाम रख दिया हुआ है. नाउ हियर व्हाट हैपन, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कह देते हैं स्लरी, ठीक है. नाउ इस स्लरी इट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, यहां पर डाइजेस्टर में आ जाती है. एंड याद रखो मेरे बच्चों, स्लरी एंड डंग इज फेड, ये हम इसके अंदर डालते हैं और ये यहां तक रीच करती है. नाउ इस जब ये पूरे यहां पहुंच जाता है डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट होता है, ये है वो फ्लोटिंग कवर माय डियर, ठीक है. सो दिस इज अ फ्लोटिंग कवर, ये प्लीज आप याद रखिए, फ्लोटिंग कवर है. एंड द फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ऑन द स्लरी, क्योंकि स्लरी यहां जमा हुआ है, तो ये पूरा डाइजेस्टर, डाइजेस्टर में स्लरी प्रेजेंट है. एंड फ्लोटिंग कवर इट इज, यू नो इट विल फ्लोट. ये कब फ्लोट होना चालू होता है? इट विल कम अप, ऐसा पूरा ऊपर की तरफ आ जाएगा. कब आएगा? जब यहां पे गैस जमा होना चालू होगा. बिकॉज व्हाट हैपेंस, सी इट कीप्स राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. सो मिथेनोजेंस जो है वो यहां प्रेजेंट है, ठीक है. सो मिथेनोजेंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. अभी यहां पे मिथेनोजेंस ने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन समथिंग कॉल्ड एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब हाइड्रोजन सल्फाइड इज अदर ट्रेसेस ऑफ गैसेस में आप मान लीजिए उसको. कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 40% प्रोड्यूस होगा एंड 50 to 80% देर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज मीथेन माय डियर. नाउ बायोगैस प्लांट ऑल्सो शोज अ प्रेजेंस ऑफ आउटलेट. ये देखिए यहां पर ये आउटलेट है, ठीक है ना. अभी जो आउटलेट आप देख रहे हैं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस. तो यहां पे से ये गैस जो है विल मूव हियर, और ये गैस जो है किचन में चले जाएगी और बहुत सारे हाउसेस के हाउसेस में चले जाएगा, ताकि सबको जो है वो गैस मिल पाए और वहां पे कुकिंग एंड ऑल दैट स्टफ जो है वो होना चालू हो पाए. कुकिंग होगा, लाइटिंग होगा, ये बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहां पे. अब ये जो स्पेंट स्लरी है, नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो यूज हो गई जो स्लरी,
दिस स्लरी विल बी गिवन आउट एंड इट विल एंटर हियर. अब इसको हम लोग कहते हैं स्लज माय डियर. तो एक बार स्लरी का काम खत्म हो गया मेरे बच्चों, देन इट इज समथिंग कॉल्ड इट विल गो इट विल रीच टू अ एनदर आउटलेट पार्ट. दैट आउटलेट पार्ट वहां पे हम उस स्ट्रक्चर को स्लज कहते हैं मेरे बच्चों. नाउ दिस स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू एनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो इज स्पेंट स्लरी का दूसरा नाम होता है समथिंग कॉल्ड एज व्हाट. इज स्पेंट स्लरी का नाम होता है स्लज मेरे बच्चों. सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट ये है कि द कैटल डंग is produced in large quantity in what? In urban areas? No. Cattle dung is produced in large quantity in the area where large number of cattle are present. Basically, rural area में ज्यादातर आपको दिखेगा. तो ये point भी आपको याद रखना है कि large quantity of cattle are present in rural area and these cattle where they are present, variety, अब ये dung को जो ये use हो चुका है, इसको आप variety of purposes के लिए इसको यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना. सो द बायोगैस दस प्रोड्यूस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है माय डियर, इट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर कुकिंग हो गया, फॉर लाइटिंग हो गया. अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट आपके बुक में भी दिया हुआ है मेरे बच्चों. द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट वॉज बींग प्रोड्यूस्ड बाई द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे बच्चे. इसका नाम है IARI एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. प्लीज आपको इट्स नॉट इंडस्ट्री, इट इज इंडस्ट्रीज कमीशन. इसको हम KVIC भी बोलते हैं मेरे बच्चे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. कभी आपको मौका मिलेगा तो आप प्लीज अपने गांव में या फिर थोड़ा सा इंटीरियर कोर एरिया में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हाउ दीज बायोगैस प्लांट्स आर बीइंग मैनेज्ड मेरे बच्चों. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डील हियर इज अ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बायो कंट्रोल माय डियर. नाउ इसका मैंने डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बायो कंट्रोल रिफर्स टू व्हाट. इट इज अ टाइप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट डिजीजेस एंड द पेस्ट. ये दोनों चीज आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं माय डियर. आज की मॉडर्न सोसाइटी क्या करना चाहती है मालूम है, विद रिस्पेक्ट टू दैट फार्मिंग एक्टिविटीज, यहां पर यूज ऑफ केमिकल हैड इंक्रीज्ड टू टैकल द प्रॉब्लम माय डियर. इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, दिस प्रॉब्लम्स आर बीइंग टैकल्ड बाय केमिकल कंटेंट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट ऑल सच केमिकल्स, अगर आपने यहां पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज किया जो केमिकल के फॉर्म में है, तो क्या हो सकता है. सो दीज केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर. ये सबसे पहला पॉइंट है. मैं आपको बता दूं, इट विल नॉट ओनली किल हार्मफुल वन, इट विल ऑल्सो किल द यूजफुल इंपॉर्टेंट यू नो बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो हमको इंपॉर्टेंट है ना, वो लोग भी मर जाएंगे इस चक्कर में. नॉट ओनली दैट, मैं आपको बता दूं, इट इज एक्सट्रीमली व्हाट, इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल इन नेचर. जैसे मैंने आपको बताया, सो ये टॉक्सिक तो है ही है, लेकिन ये हार्मफुल भी है. अब हार्मफुल किसको है? इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स. ये दोनों के लिए हार्मफुल है. नॉट ओनली ह्यूमन बींग और एनिमल्स, बट ऑल्सो मैं आपको बताऊं, वहां का जो फ्लोरा और फाउना में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन लोग के लिए भी हार्मफुल है. राइट, समटाइम इट बिकम्स हार्मफुल टू द क्रॉप प्लांट ऑल्सो माई डियर्स. तो अब यहां पर क्या हो गया, पॉल्यूटिंग कर रहा है ये किसको, हमारे एनवायरमेंट को. लेकिन एनवायरमेंट में कौन कौन से लोग पॉल्यूट हो जा रहे हैं, मतलब कौन कौन से कंटेंट जो है वो पॉल्यूट हो जा रहे हैं. द वेरी फर्स्ट कंटेंट इज समथिंग कॉल्ड एज सॉइल माई डियर. Not only that, this chemical, the insecticides and pesticides, this chemical insecticides and chemical pesticide, it enter into a groundwater also, my dear. Not only that, its effect is seen on fruits, on vegetables and different type of crop plants. Let me tell you one more thing, that हम लोग ना weed को मारने के लिए ना chemicals use करते हैं. So basically these chemicals are termed as what, weedicides. ठीक है. Now what do you mean by weed? Weeds are unwanted plant which grows in a field and they compete with the crop plants. They compete for light, they compete for nutrition, they compete for area. Please, mere bachcho, yaad rakhna. And they also compete for the amount of water present in that area, my dear. So, weeds are unwanted plant jo basically bahut zyada tezi se grow hote hain. Ab aise weeds ko maarne ke liye, when you are using certain different type of chemicals, my dear, that is what is weedicide. It not only affects that weed, but it also affects the soil microorganisms. It also affects the soil fertility, my dear. And that is, you know, that is going to prick us. That is going to hurt us
मैं आपको बताऊं 20-30% का लॉस देखने मिलता है इस पूरे क्रॉप प्लांट और क्रॉप प्रोसीजर्स में. नॉट ओनली दैट, चलो स्टार्ट करते हैं बायो कंट्रोल. अब हम अपने तरीके से पेस्ट और डिजीजेस को रोकने की कोशिश करेंगे. सो इन एग्रीकल्चर व्हाट हैपेंस, द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट ना दैट कंप्लीटली रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन. मतलब अगर वहां ग्रास ऑपर है तो आप दो फ्रॉग्स छोड़िए. आप ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने का. इफ देर आर रैंडम नंबर ऑफ ग्रास ऑपर्स, जस्ट पुट 2-3 फ्रॉग्स एंड देन दे विल डिवाइड. मेन प्रॉब्लम ये कि अब फ्रॉग्स को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट. सो ये अलग अलग जो पैटर्न है, ये यहाँ के फार्मर क्या सोचते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा. सो नेचुरल प्रेडेशन की तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहता है रादर देन पुटिंग समथिंग कॉल्ड एज केमिकल्स. सो यू नो देयर इज अ की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स देयर दैट बायोडायवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ. माई डियर, मोर इज द बायोडायवर्सिटी, मोर विल बी समथिंग कॉल्ड एज हेल्थ विल बी सीन एंड दैट इन दैट एंटायर एरिया. See, when you put pesticides or when you put certain types of chemical, the honeybees or bees, you know, they get affected. And if they are getting affected, let me tell you, my dear, pollination ka bahut bada problem hoga. And if pollination is not occurring, yes, there will be something called a less formation of seed takes place or grain takes place basically. Toh humara crop plant mein wahan par zyada effect dikhta hai. Ye maine aapko bahut chota sa example bataya, but a point important hai. कि अगर आपके यहां पे आपके लैंडस्केप पे आपके फील्ड पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है देन दैट एंटायर एरिया इज मोर सस्टेनेबल माय डियर. माने वो बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा. इंस्टेड ऑफ पुटिंग केमिकल्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये अपने तरीके से होने दीजिए, ऐसा वहां के ऑर्गेनिक फार्मर्स चाहते हैं माय डियर. नाउ द ऑर्गेनिक फार्मर्स वर्क्स टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट अ सिस्टम. सो यहां पे ये लिखा हुआ रहेगा where insect, please याद रखना, where insect that are sometimes called pest are not eradicated. उनको eradicate नहीं किया जाता है मेरे बच्चों, मालूम है? But you know एक ऐसा pattern use करते हैं कि they are kept at the manageable, ये देखो शब्द यहाँ पे, manageable by complex system, my dear, of what? Of checks, checks मतलब stopping and balancing within a living and vibrant ecosystem. So, ऐसा एक पैटर्न हम वहां पर अपनाते हैं. मैं आपको उस पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करूंगा अभी, लेकिन यह मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्ररी टू कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू, आई मीन दीज फार्मर्स आर गोइंग टू यूज व्हाट, होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलप अ वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप प्लांट्स और माइरियाड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाउ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. बेसिकली इट इज अ बायोडायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो ऐसा थॉट होता है कि मोर इज अ बायोडायवर्सिटी, मोर इज अ माइरियाड, मोर इफेक्टिव विल बी द एंटायर क्रॉप प्लांट सिस्टम्स माय डियर. एंड यू नो दिस दैट इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स व्हाट, द फील्ड फ्लोरा एंड फाउना माय डियर. द ऑर्गेनिक फार्मर यू नो हैव अ व्यू दैट इराडिकेशन ऑफ द क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट. देखो कितने प्यारे प्यारे फार्मर्स है. अगर ये ऑर्गेनिक फार्मर्स लोग ये सब सोचते हैं कि जो भी इंसेक्ट उस फील्ड में है उसका इरेडिकेशन अगर मैं कर रहा हूं, भले ही वो किसी के लिए पेस्ट हो, तो अगर मैंने ऐसे किया तो इट इज नॉट ओनली पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल तो है ही नहीं, तुम उसको नहीं निकाल पाओगे, उनके ये वो कुछ ना कुछ रह ही जाएंगे, बट इट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल माई डियर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑर्गेनिक यू नो ये ऑर्गेनिक फार्मर सोचते हैं कि अगर मैंने किसी इंसेक्ट का इराडिकेशन किया तो ये पहली बात तो पॉसिबल नहीं है. यू नो यू कैन नॉट इराडिकेट इंसेक्ट एंटायरली. कुछ लोगों के घर में कॉकरोच पड़ जाते हैं, you know? और कॉकरोच रह ही जाते हैं, आप कितना भी दवा मारिए उसको, वो जो है वो रह ही जाएगा. सो दे आर अ टाइप ऑफ अ पेस्ट. सो अब हमने ऐसा नहीं सोचना है, बट फील्ड के अंदर फार्मर, द ऑर्गेनिक फार्मर, दे थिंक दैट, दे हैव दैट थॉट कि वी शुड नॉट इराडिकेट सच टाइप ऑफ pests, so called pest for some or the other reasons, right? आप उनको निकाल तो पाओगे, it is not possible, but it is also undesirable. तो here the beneficial predatory, मतलब उस insect पे, उस pest पे, जो predatory और parasitic insect होंगे ना, which depend upon as a food or a host, will not be able to survive. बहुत important point है मेरे बच्चों. एक insect है, आप इस insect को निकालना चाहते हो. You want to eradicate this. Let me tell you, there are two points. Pehla, it is not possible to eradicate it. Point number one. Ye likha hai yahan pe. Not possible.
it is not possible to eradicate it. Point number one. Point number two, it is undesirable to eradicate it. तो possible भी नहीं और undesirable है. क्यों? क्योंकि some or the other insect, they are feeding on these insects. और some or the other predatory bird या कोई ना कोई तो होगा, not only insect, इस insect के ऊपर कोई दूसरा predatory bird होगा जो इसको feed करता होगा. तो जब आप इसको निकाल दोगे तो bird भी यहां पर नहीं आएगा. या बर्ड तो छोड़ो, वो दूसरे इंसेक्ट्स भी यहां पर नहीं आएंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर यू नो वेब, देयर इज अ प्रॉपर चेन विच इज प्रेजेंट बिटवीन देम. सो एक नया आइडिया, दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो अगर आपने बायो कंट्रोल एजेंट यूज करने की कोशिश की, माने आप एक ऐसा बायोलॉजिकल तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को वहां रख दोगे जिसकी वजह से वो इंपैक्ट जो है वो यू नो एक चेन बनाना है आपको. कैसे बनेगा वो वहां पर पॉइंट है. पहला पॉइंट, बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फैमिलियर विथ वेरियस लाइफ फॉर्म. आपको उन इंसेक्ट का लाइफ साइकिल चेक करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे सर इतना टाइम किसके पास है, लेकिन वो एक बार आइडिया आ जाता है ना बेटा, तो उसके बाद आपका फुल कंट्रोल आता है उन इंसेक्ट्स पे, ताकि वो आपका क्रॉप्स ना खा ले. सो टू इनहैबिट इन अ फील्ड, आपको उनके प्रेडेटर्स का ध्यान देना होगा, नॉट ओनली प्रेडेटर्स एज वेल एज द पेस्ट का ध्यान देना होगा कि वो किस चीज पर फीड कर रहे हैं. सी इफ दे आर फीडिंग ऑन वीट, सो ट्राई कीजिए कि आप वीट कम उगाइए और कोई दूसरा क्रॉप वहां ज्यादा उगा दीजिए. सो उनका डिपेंडेंसी हट जाएगा. नॉट ओनली दैट, इफ सम इंसेक्ट इज फीडिंग ऑन वीट, वो इनसे किसी और चीज में भी फीड करता होगा, तो थोड़ा सा वो भी लगा दीजिए वहां पे, राइट. सो इस तरीके का ये छोटा छोटा आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा. सो ये देखिए, यहां पर आपको उनके हैबिटेट्स को देखना है, विच टाइप ऑफ हैबिटेट दे प्रीफर, विच टाइप ऑफ पेस्ट इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ प्रीडेटर इज प्रेजेंट ऑन दैट पेस्ट, विच टाइप ऑफ यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म दे आर शोइंग यू, राइट. नॉट ओनली दैट, उनके लाइफ साइकिल्स देखिए आप, उनके पैटर्न ऑफ फीडिंग को देखिए. और जब आप ये सारे ये तीनों चीज जब आप देखते हैं ना, देयर लाइफ साइकिल, देयर पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट दैट दे प्रीफर, ये तीनों चीज जब आप देखते हैं ना, इट बिकम्स यू नो वेरी अप्रोप्रिएट मीन ऑफ. नाउ देयर इज अ लेडी बर्ड बीटल, यू वुड बी नोइंग दैट अ बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, माय डियर, ओके. सो अ बीटल विथ व्हाट, रेड एंड ब्लैक मार्किंग अगर आप देखें तो उसको हम लोग कहते हैं लेडी बर्ड बीटल. और लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई यू नो दे आर वेरी मच यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स. नाउ दीज आर द टाइप ऑफ अ पेस्ट, दीज आर टाइप ऑफ आर्थ्रोपॉड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रॉप एंड दे आर द वन हु ईट्स लीफ, दे इवन बोर द स्टेम. तो एफिड्स और मॉस्किटो से अगर आपको रिड पाना है, अब आप बोलेंगे सर मॉस्किटो क्यों भगाना है, याद रखो फीमेल मॉस्किटो आपके पास आती है, दे सक द ब्लड. विच वन? फीमेल मॉस्किटो. एंड मेल मॉस्किटो आर द वन हु टेक्स और हु फीड्स ऑन व्हाट, दे फीड ऑन प्लांट सैप. तो इतना ज्यादा सैप खींच लेते कि प्लांट सूख जाएगा, तो मेल मॉस्किटो वहां, फीमेल मॉस्किटो यहां. तो यहां पर आपको याद रखना है कि लेडी बर्ड का बात किया, जो रेड और ब्लैक डॉट्स दिखते हैं ना आपने देखा होगा, एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये दोनों हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है वो ड्रैगन फ्लाई. सो यू नो दीज टू थिंग्स आर बीइंग यूज्ड टू गेट रिड ऑफ व्हाट, एफिड्स एंड समथिंग कॉल्ड एज मॉस्किटोज. एंड द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज, मतलब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल जो हमने लिया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वी आर गोइंग टू यूज वेरी यू नो ऐसा मेथड जो फूड वेब में सेट हो जाए. We don't have to use chemicals and all that stuff. Insecticides, pesticides, weedicides, नहीं use करना है. तो क्या use करना है? अब एक और जबरदस्त चीज आया यहाँ पे. It is something called as Bacillus thuringiensis. मेरे बच्चों मैं आपको बताऊँ, Bacillus thuringiensis are the one. They are the type of bacteria which controls butterfly caterpillars. Basically हम इनको कहते हैं bollworms. ये caterpillar की बात कर रहा हूँ, bollworms. एंड आपको मालूम नहीं रहेगा, बट ये Bacillus thuringiensis के स्पोर्स जो हैं, दे आर बीइंग फाउंड इन अ सैशेट्स, ऐसे सैशेट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पतले प्लास्टिक के पैकेट्स जैसे होते हैं. एंड यू नो दिस ड्राइड स्पोर्स ना, दिस ड्राइड स्पोर हैज टू बी मिक्स्ड विथ वाटर एंड देन दे आर स्प्रेड ऑन अ वल्नरेबल प्लांट्स, माने उस प्लांट पे जिसपे बहुत ज्यादा ये कैटरपिलर्स बैठे रहते हैं, बॉलवॉर्म्स जो बैठे रहते हैं वहां पे. Now, basically जो vulnerable plants है उनका examples क्या है, the very good example is brassicas and fruit trees मेरे बच्चों.
तो ये दो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस बॉलवॉर्म्स। मैं आपको बताऊं ये बॉलवॉर्म्स करते क्या है। नाउ अभी आपने एक बार स्पोर को स्प्रे कर दिया विथ वॉटर, सो द स्पोर्स ना दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द लीफ। अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, नाउ दिस इज व्हाट इज अ लीफ मेरे बच्चों, तो ये स्पोर डिपॉजिट हो जाता है यहां पे, एंड देन हु कम्स इज समथिंग कॉल्ड अ कैटरपिलर। ये ऐसा आ गया बॉलवॉर्म कैटरपिलर, ठीक है हा? अभी बॉलवॉर्म कैटरपिलर आ गया, अभी बॉलवॉर्म कैटरपिलर क्या करेगा, दे विल स्टार्ट ईटिंग इट माय डियर, ये खाना चालू कर देगा मेरे बच्चों। रुको थोड़ा और अच्छा बॉलवॉर्म बनाता हूं आपके लिए, ये कैटरपिलर स्टाइल में है ना, बचपन में तुमने देखा तो होगा ही। सो ये देखो यहां पे इट स्टार्ट्स ईटिंग मेरे बच्चों, ये बॉलवॉर्म है ना, ये खाना चालू कर देता है। सो व्हेन दिस बॉलवॉर्म ईट्स द लीफ द स्पोर ऑल्सो एंटर्स इन टू द बैसिलस थुरिंजेंसिस का स्पोर्स ना, दे ऑल्सो एंटर इन टू द गट, अंदर इंटेस्टाइनल एरिया होता है उसको हम कहते हैं गट। ऑफ वॉट? गट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इंसेक्ट लार्वे। मैं लिख दूंगा, अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है लेकिन बता देता हूं मैं, यहां पे होता है बॉलवॉर्म। तो ये बॉलवॉर्म के अंदर ये यू नो व्हेन ये बॉलवॉर्म जो होता है, ये बॉलवॉर्म जब उस लीफ को खाता है तो द स्पोर्स ऑल्सो एंटर्स। तो जब स्पोर एंटर करेगा तो कहां एंटर करेगा? बॉलवॉर्म के गट में एंटर करेगा। द टॉक्सिन, अब वो स्पोर के अंदर में मेरे बच्चे एक्चुअली हम उसको कहते हैं प्रोटॉक्सिन। मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक वो स्पोर, प्लीज ध्यान से सुनना, स्पोर के अंदर होता है प्रोटॉक्सिन माय डियर। तो प्रोटॉक्सिन अगर गट के अंदर एल्कलाइन मीडियम को मिल गया, कौन सा मीडियम मेरा बच्चा? एल्कलाइन मीडियम को मिल गया, उसके बाद दिस प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टॉक्सिन, एंड देन दिस बॉलवॉर्म डाई। तो बेसिकली देन दिस लार्वे गेट्स किल्ड मेरे बच्चों। सो दिस बॉलवॉर्म कैटरपिलर आर नथिंग बट अ लार्वे ऑफ अ बटरफ्लाई माय डियर। सो मेरा बात समझो, हमने क्या किया, हमने बैसिलस थुरिंजेंसिस का स्पोर लिया, वी स्प्रेड इट बाय मिक्सिंग इट इन अ वॉटर, द स्पोर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द लीफ, द बॉलवॉर्म और अ लार्वे मूव्स एंड स्टार्ट्स ईटिंग द लीफ, एंड बाय दैट द स्पोर ऑल्सो एंटर्स इन टू द गट ऑफ अ बॉलवॉर्म और अ लार्वे। वेन इट एंटर्स द it is a protoxin, and when there is an alkaline medium found in that area, it becomes you know a toxin crystalline protein, hum kehte hain usko. So this toxin crystalline protein ki wajah se swelling occurs in the gut of a caterpillar ya fir us larva ke andar ya bollworm ke andar swelling ho jati hai, and finally this caterpillar or larva or bollworm they die. So the bacterial disease will kill the caterpillar but leaves other insect unharmed. ये बहुत important point है, मतलब वो खाली जाके bollworm को ही मारता है, उसी larvae को मारेगा जिसके तो it's a targeted one, ठीक है। So क्या हो गया, because of this development of method, मैं आपको बता दूं एक और तरीका हमने अपनाया, हमने क्या किया मालूम है, हमने ना ये जीन निकाल लिया मेरे बच्चों। Very, very, we are very smart, I can say. Scientists लोग बहुत जबरदस्त smart होते हैं। What they did was they took out that gene which is responsible for that protoxin. और वो gene को इन्होंने क्या कर दिया मालूम मेरे बच्चों? ये इस last decade or so में इन्होंने क्या कर दिया कि these scientists have introduced that you know gene Bacillus thuringiensis toxin gene into the plants. The cotton plant के cell में डाल दिया और वहां कर दिया plant tissue culture. Now when that plant you know it was formed, can you imagine that plant had started producing that protoxin gene my dear, because the gene of Bacillus thuringiensis was being transferred in the cell of cotton plant. Aapko malum hoga wahan pe ek naam aata hai BT cotton karke. So yeah, BT cotton mein, now this BT cotton became resistant kyunki BT cotton ke har cell mein protoxin form hone lag gaya. And as soon as bollworm or caterpillar, that larvae, it eats the cotton ka leaf, that cotton ka leaf enters into the gut. Or gut mein gaya, toh alkaline medium milega, alkaline medium mila, toh yes, that protoxin will get converted into toxin. So it was a great discovery, genetic engineering ki gayi thi, aur usse form hua tha BT cotton. And this BT cotton, aaj bhi bahut sare states mein, it is being cultivated. The another very good example was Trichoderma, my dear. Now let me tell you my dear, this Trichoderma is a type of what? It is a type of a fungus and it is the free living fungi and it is very common to the root ecosystem my dear. Ye bahut important point hai, root ecosystem mein bahut zyada milega aapko ye aur ye free living hota hai ye, theek hai.
Now it is a very effective biocontrol agent of several plant pathogens. ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे plant pathogen पे direct attack करते हैं ये, और वो जो plant pathogen होता है वो मर जाता है. So आपने देखा होगा कि last के जो 10-15 minute गए ना मेरे बच्चों, what we discussed is something called as कि भाई हमने कोई chemical नहीं use किया. तो आपने क्या use किया? हमने use किया certain organisms. पहला ऑर्गेनिज्म जो हमने डिस्कस किया, इट वाज समथिंग कॉल्ड एज, कहां गया हमारा ये प्यारा प्यारा बैसिलस थुरिंजियंसिस, राइट. बैसिलस थुरिंजियंसिस यूज किया हमने, फिर हमने जो है वो लेडी बर्ड यूज किया, फिर हमने ड्रैगन फ्लाई यूज किया है हमने, राइट. फिर हमने जो है वो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग तक हम पहुंच गए, फिर हमने ट्राइकोडर्मा यूज किया. एक मैं और बताना चाहता हूं मेरे बच्चों, वो है बैक्यूलो वायरस. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रब करूंगा इस चीज को जरा यहां से. So, बैक्यूलो वायरस जो है वो हमने आजकल यूज करने का एक कोशिश किया है. नाउ व्हाट इज दिस बैक्यूलो वायरस माय डियर, मैं जरा इसके ऊपर थोड़ा सा आपको लाइट डालना चाहूंगा. नाउ चलो डिस्कशन कर लेते हैं बैक्यूलो वायरस के बारे में. नाउ बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन. सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस और वॉट दे आर डैश दे आर पैथोजेंस. चलो पहला पॉइंट हो गया कि बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक्स हुम, दैट अटैक्स इंसेक्ट्स. पैथोजन अटैक्स, बैक्यूलो वायरस अटैक्स इंसेक्ट्स, नॉट ओनली इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स. इंसेक्ट्स एंड ऑर्थ्रोपॉड्स को ये अटैक करते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज, मैं बताऊं आपको, आर यूज्ड एज व्हाट, अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट. सो बैक्यूलो वायरस इज यूज्ड एज डैश. सो बैक्यूलो वायरस इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स. ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स भी यूज होते हैं. एंड आर इन व्हाट, एंड आर इन जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. ये जो बैक्यूलो वायरस है ये एक इनका जीनस है, उनका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस. मेरे बच्चों इसको प्यार से लोग कहते हैं NPV. सो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये पॉइंट आप याद रखना. Now these virus are what? These virus are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal applications. मैं properties word use करने जा रहा था, बहुत ज्यादा important है. So they are narrow, please याद रखना, narrow spectrum insecticidal application में use होता है. And they are species specific. माने इस वायरस को अगर आपने किसी एक स्पीशीज के लिए यूज किया तो वो स्पीशीज बचेगा नहीं, फॉर श्योर. एंड ये भी देखा गया है कि दे आर नॉट इंपैक्टिव अगेंस्ट अदर टाइप ऑफ यू नो प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड नॉट इवन ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स. तो जिस इंसेक्ट के पीछे ये पड़ गए, अच्छा आप मुझे पूछोगे सर किस इंसेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं नाम लिख देता हूं जिप्सी मॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सी मॉथ्स एंड सर्टन कैटरपिलर्स. प्लीज याद रखना, ये भी लिख देता हूं, सर्टन कैटरपिलर्स के पीछे ये पड़ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये आपके बुक में नहीं दिया है, पेज नंबर 187 पे आपको ये नहीं मिलेगा. हाँ, पेज नंबर 187 पे आपको डिस्कशन मिलेगा कि बैक्यूलो वायरसेस आर द टाइप ऑफ वायरसेस विच आर पैथोजेनिक इन नेचर. फिर आपको ये मिलेगा कि बैक्यूलो वायरसेस जो है वो जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस को जाते हैं. फिर आपको ये मिलेगा कि दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक. दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. दे हैव बीन शोन टू हैव बीन यू नो दे आर नेगेटिव टू प्लांट, मैमल्स, फिर बाद में फिशेस, फिर बर्ड्स एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. You know, this is specially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest farming. मेरे बच्चों, मतलब मुझे पता है कि मुझे ये इंसेक्ट को बचाना और ये इंसेक्ट को मारना है, तो ऐसे मौके पे मैं जो है इस टाइप के वायरसेस का यूज करूंगा. और आई कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. मेरे बच्चों, ये पॉइंट बहुत याद रखना वाली बात हो जाती है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. सो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वेरी स्पेसिफिक,
पैथोजेनिक है क्या? हाँ सर। ये बक्यूलो वायरसेस है? हाँ सर। ये किस पे इफेक्ट करते हैं? टारगेट स्पीशीज स्पेसिफिक। किस पे इफेक्ट नहीं करते हैं? बर्ड, मैमल्स, फिश एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स। और कुछ इंपॉर्टेंट इसका, हाँ, डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल सेंसिटिव, याद रखना, ओवरऑल टारगेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM बोलते हैं मेरे बच्चों, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे जब आप ध्यान देंगे उस मौके पे आप इस वायरस को यूज करेंगे, और आप इसको यूज कर सकते हैं इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इन सर्टेन एरिया जहां पे आपको पता है कि यार मैं जरा सा भी कुछ दूसरा डाल दूंगा ना केमिकल तो अदर प्लांट्स ऑल्सो विल डाई। सो ऐसे जगह पे हम जो है वो इसको ट्रीट करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक विल बी यूजिंग एज माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर, हैव अ गुड डे।